हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर वेलनेस वर्कशॉप डे 4। आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम पावरफुल वर्ड्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने शब्दों को चेंज करके, जो आप बात कर रहे हैं उसे चेंज करके, आप अपने हेल्थ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप अपने हेल्थ को हील कर पाएंगे। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं पावर ऑफ वर्ड्स एंड एफर्मेशंस। ठीक है, आप जो बात करते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, और वो ही उसी तरीके से आप किस तरीके से अपने वर्ड्स को चेंज करके आप अपने हेल्थ को हील कर सकेंगे, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी बात करते हैं वो मैनिफेस्ट होती है। आपकी बात में पावर है, आप जो बोलते हैं इसमें एक एनर्जी है, और ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आपके वर्ड्स बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल हैं। आपने अगर मैजिक मूवीज़ अगर आप देखते हैं, या आपको पता है आबरा का डाबरा वर्ड, वो आबरा का डाबरा वर्ड क्या है? आबरा का डाबरा ये एक वर्ड है हमारे हिब्रू भाषा में। हिब्रू भाषा में आबरा का डाबरा बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है आई क्रिएट एज आई स्पीक, यानी कि मैं जो बात करती हूँ मैं उसे क्रिएट करती हूँ। एंड मैं सीरियसली इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं खुद बहुत सी चीज़ें सिर्फ बातों के ज़रिए मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव करती हूँ कि हम जो भी बात करते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे वर्ड्स में भी हम जो बात करते हैं उसमें एक एनर्जी होती है। तो हम जब इस एनर्जी को देते हैं तो हम मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे हमारे जो हम बोलते हैं वही चीज़ हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हम जो भी बात करते हैं वो सब जाने अनजाने में आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। तो ये अभी आपके ऊपर है, आप नेगेटिव बातों को दोहरा रहे हो या पॉजिटिव बातों को दोहरा रहे हो। जितना आप नेगेटिव बातों को दोहराओगे आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी, जितना आप पॉजिटिव बात करोगे आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप नेगेटिव बोलते हैं कोई भी चीज़ के लिए, आप नेगेटिव होते हैं तो आप नेगेटिव ही इन फ्यूचर में मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं तो आप अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या नेगेटिव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अक्सर अपने बिगड़ी हेल्थ के ऊपर ही बात करते हैं। सपोज करें मेरी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ गई तो मैं घर पे बता दूंगी, घर वाले बाकी लोगों को बता देंगे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बता देंगे। इसी तरीके से आपकी जो बातें हैं वो फैलना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप रिपीट कर रहे थे कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। जब आप किसी ए पर्सन को बोलते हो, ए पर्सन बी को बोलता है, बी वाले सी को बोलता है, इसी तरीके से जेड तक बात चली जाती है, और आप भी अपने एरिया में जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं आप सभी को बोल रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, आप सबको बोल रहे हैं और सब लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो पूरी फोकस में आ गई है और वो एनर्जी पूरी आपके ऊपर ही जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप खुद बोल रहे हैं मेरी हेल्थ सही नहीं है, आप सेंटर में हो गए, फिर आपने जिस जिस को बताया, आपने जिनको बताया वो भी और भी लोगों को बता रहे हैं, तो सारे लोग आपको एनर्जी दे रहे हैं, आपकी हेल्थ को एनर्जी दे रहे हैं ये बोलकर कि इसकी हेल्थ सही नहीं है। अब आप खुद सोचो, जब आप मिडिल में हो, आप सेंटर में हो और सभी लोग आपके हेल्थ के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं कि इसकी हेल्थ सही नहीं है, तो क्या आपकी हेल्थ सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग आपके हेल्थ को जो सही नहीं है उसी के ऊपर एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी से क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, ना ही हील हो रही है। तो पावर जो है ना हमारे बातों में है। जब लोग भी आपके साथ इसी तरीके से बातें करते हैं कि इसकी हेल्थ सही नहीं है, इसकी हेल्थ सही नहीं है, बार बार रिपीट करते हैं, आप खुद भी अपने हेल्थ के बारे में बार बार रिपीट करते हैं कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो आपकी हेल्थ कभी भी सही नहीं होगी, कभी भी सही नहीं होगी। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करना बंद कर देना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर हमें बात ही करना बंद कर देना चाहिए, हमें इस टॉपिक के ऊपर हमारी एनर्जी देनी ही नहीं है। जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उसके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम एनर्जी नहीं देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, हम हैप्पी रहेंगे, हम खुश रहेंगे, कॉमेडी शोज देखेंगे, जिससे हमारी बॉडी हेल्थ है ना वो हैप्पी रहे,
आपने सुना होगा जितना हैप्पी रहेंगे हम लोग, जितना खुश रहेंगे, जितना हम लोग हंसते हैं हमारी बॉडी हील होती है, जितना हम खुश रहते हैं हमारी बॉडी में और भी ऐसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आनी स्टार्ट हो जाती है जिसमें हम खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है, मैं ये नहीं बोलूँगी मेडिसिन मत लीजिए, मेडिसिन आपको लेनी है, साथ में आपको अपनी प्रोग्रामिंग भी करनी है। ठीक है, मेडिसिन्स को अपना काम करने दीजिए और आप मेंटली खुश रहने का काम कीजिए। अब मेडिसिन्स आप ले रहे हो तभी भी आप बोल रहे हो कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो फिर कभी सही नहीं होगी। मेडिसिन्स को अपना काम करने दीजिए और अपने माइंड में ये सोचते रहिए कि मैं हील हो रही हूँ, आप हैप्पी रहिए, फिर देखिए मैजिक किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो खाइए जो आपको अच्छा लगे, मेडिसिंस खाइए और खुश रहिए। अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ इशू जो भी होती है, आपकी जो हेल्थ इशू है ये परमानेंट नहीं है, ये एक फेज होती है। ठीक है, अगर आप बीमार हैं तो ये एक परमानेंट बीमारी नहीं है, ये एक फेज है जहाँ से आपको हील होके जाना है। लेकिन अगर आपने एक बार अपने माइंड में ये ठान लिया कि ये बीमारी अब कुछ नहीं हो सकती, अब मेरी पूरी जिंदगी मेरी मेडिसिन के ऊपर चली जाएगी, तो वो वही होगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये एक फेज है और इससे मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगी, और खुश रहते हैं, मेडिसिन को खाते हैं टाइम पर और साथ में खुश रहते हैं और अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, पॉजिटिव टॉक्स करते हैं अपने हेल्थ के बारे में, धीरे धीरे आपकी हेल्थ है ना वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो परमानेंट नहीं होता है, और वर्ड्स, जो पॉजिटिव वर्ड्स आप बोलेंगे अपने आप को, वो चेंज करना स्टार्ट कर देगी आपके बॉडी को, क्योंकि आप जब बोलते हैं आपकी बॉडी सुनती है वो। ठीक है, जब आप अपने बॉडी से बात करोगे, अपने सेल्स से बात करोगे कि मेरी सेल्स रिजेनरेट हो रही है, मेरी बॉडी हील हो रही है, आपकी बॉडी वो हील होना स्टार्ट कर देंगी। ये एक फेज है, वो चला जाएगा, मैं हील हो रही हूँ, मेडिसिन अपना काम कर रहा है, ये सारी चीज़ आप बोलोगे और देखना धीरे धीरे आप हील होना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आज से बल्कि अब से स्टार्ट करो अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को चेंज करना, अपने बातों पर ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आपने गलती से भी ऐसा बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत उस बात को रिफ्रेम करो कि मैं अब हीलिंग पीरियड में हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं हील हो रही हूँ। ठीक है, समझ रहे आप बात को, बीमार हूँ यानी कि आप हमेशा बीमार रहेंगे, हील हो रही हूँ यानी कि आप हील हो रहे हैं, आपकी तबीयत सही होते जा रही है ना, आप खुद डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरीके से पॉजिटिव बातों पे ध्यान दो और अपने वर्ड्स को एक्सचेंज करो कि क्या ये सही है मैं जो बोल रही हूँ मेरे हेल्थ के लिए। लॉन्ग टर्म से सोचो, लॉन्ग टर्म से सोचो, क्या ये जो मैंने वर्ड अभी बोला है, ये मैंने सेंटेंस अभी बोला है, क्या ये मुझे हीलिंग दे रही है या मुझे और बीमार कर रही है। जब भी आप अपने वर्ड्स पे ध्यान दोगे, आप धीरे धीरे यकीन मानिए आप हील होना स्टार्ट कर देंगे। एक भी नेगेटिव वर्ड अगर आपके मुंह से निकली है, तुरंत आपने एक्सचेंज करो पॉजिटिव वर्ड से, आपके हेल्थ को हील करना स्टार्ट करो पॉजिटिव वर्ड से। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज जो मैं हमेशा ध्यान बोलती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हील हो सकते हैं, एफर्मेशंस, एफर्मेशंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।